जय भीम साथियों, सभी को मेरा सुप्रीम जय भीम। और महात्मा फुले और बाबा साहेब अम्बेडकर की ये संयुक्त जयंती समारोह का जो आयोजन है, इसके लिए आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं मेरी तरफ से। व्याख्यान माला के रूप में ये जो समारोह बामसेफ ने एमएनटी ने आयोजित किया, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और क्योंकि विचारों का आदान प्रदान होना जरूरी है, अगर हमें सही राह पर चलकर अपना अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो आज का विषय है हमारा जो महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहेब अम्बेडकर के सूत्रों और अति सूत्रों पर ऐतिहासिक निष्कर्ष, इस पर हम बात करेंगे। तो शूद्रों और अति शूद्रों की वर्तमान स्थिति और उसकी जो कारण मीमांसा है, जो रीजनिंग है या जो रीजंस हैं उसकी स्थिति की, तो उस पर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिस विस्तार से और गहराई से अध्ययन किया और शोध कार्य किया, उतना किसी और ने नहीं किया। क्योंकि दिक्कत क्या हुई कि औरों ने मानव को, मतलब एक मनुष्य को, एक यांत्रिक इकाई के रूप में माना, एक मैकेनिकल एंटिटी, और एक पीड़ित मानव के रूप में नहीं, मतलब जैसे भावना का उसमें अभाव रहा। मगर बाबा साहेब के निष्कर्ष मतलब केवल ऐतिहासिक तथ्यों पर ही आधारित नहीं थे। शूद्रों अति शूद्रों की बदलती या बिगड़ती दशा, फिर उनकी मानसिक स्थिति और सवर्णों के बढ़ते अन्याय, इन सब का सूक्ष्म निरीक्षण, मतलब बिल्कुल माइक्रो एनालिसिस भी बाबा साहेब ने अपने अध्ययन में किया है। और जहां कहीं उनको ऐसा लगा कि कुछ कड़ियां मिसिंग है या उपलब्ध नहीं है, तो उन चीजों का भी उन्होंने अपना सटीक आकलन उन्होंने किया। तो इसलिए बाबा साहेब का जो शोध कार्य है वो बाकी इतिहासकारों से या हिस्टोरियन से अलग है। तो बाबा साहेब के विश्लेषण और शोध कार्य की गहराई का अंदाजा तो हम सबको है, उनके जितना भी उनका लिटरेचर हमने पढ़ा है। मगर अस्पृश्यता की समस्या को लेकर महात्मा ज्योतिबा फुले की समझ और विश्लेषण और जो इतिहास का ज्ञान है, वो भी मैं कहूंगा कि काबिले तारीफ है। ज्योतिबा फुले जी, उनके उनकी जो चिर परिचित संवाद शैली थी कि वो दो कैरेक्टर या तीन कैरेक्टर क्रिएट करके उनका आपस में जो संवाद द्वारा वो जो अपनी बात कहते थे, गंभीर बातें कह जाते थे, तो शूद्रों और अस्पृश्यों की समस्याओं को भी उन्होंने अपनी इसी शैली में का इस्तेमाल करके बड़े प्रभावी तरीके से लोगों के सामने, पाठकों के सामने रखा। तो चलिए फिर, अब ये प्रस्तावना के बाद अब हम मुख्य विषय की तरफ चलते हैं। तो शूद्रों और अति शूद्रों की शोषणीय हालत, उनकी सामाजिक स्थिति के बारे में बहुत कुछ लिखा गया, परंतु शूद्रों की, अति शूद्रों की, मतलब अछूतों की या अस्पृश्यों की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, क्या ये जाति व्यवस्था या अस्पृश्यता आदिकाल से थी, अगर नहीं तो किन हालात में इसकी शुरुआत हुई, इत्यादि प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की किसी इतिहासकार ने वैसे कोशिश तो बहुत की, लेकिन मैं कहूंगा कि इतनी ईमानदारी से कोशिश नहीं की जितनी बाबा साहेब ने। अब बाबा साहेब क्योंकि खुद इस तरह की व्यवस्था के परिणाम भुगत चुके थे, सो उन्होंने खुद ही इस बात पर अभ्यास करके, शोध करके, जो प्रश्न हमने ऊपर कहे, कि इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ निकाले। और शूद्र कौन और कैसे, और अस्पृश्य कौन और वो अस्पृश्य कैसे बने, ये उनके दो महान ग्रंथ इस दिशा में मील का पत्थर, मतलब माइलस्टोन जो ग्रंथ है कह सकते हैं हम लोग, है ना। तो बाबा साहब से तो काफी परिचित है ही, मतलब बाबा साहब के कार्य से या उनके ग्रंथ से, ग्रंथों से या उनके विचारों से। लेकिन बाबा साहब से भी कई साल पहले भारत में सामाजिक समता की नींव रखने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले, उन्होंने इस विषय पर क्या कुछ लिखा या कहा,
ज्योतिबा जी और सावित्रीबाई के सामाजिक कार्य से हम लोग सब भलीभांति परिचित हैं, इसलिए उन बातों को अब हम दोहराने की आवश्यकता नहीं है हमें। मगर मतलब उनके बचपन के समय की एक, या जो उनका बढ़ने का ये था काल, उस समय हम लोग एक हल्की सी नजर डाल ले तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि क्या था। तो फुले जी के जन्म के आसपास जो, या उससे पहले कुछ, मतलब पेशवा शासन समाप्त होकर अंग्रेजों ने अपने हाथ में सत्ता संभाल ली थी, और हम सब जानते हैं कि पेशवा के काल में महाराष्ट्र में जाति प्रथा, अस्पृश्यता और ब्राह्मण शाही अपने एक चरम सीमा पर थी, महाराष्ट्र में और अन्य जगह पे जहां पे उनका राज था। तो अंग्रेजों ने आने के बाद शिक्षा और दूसरी जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो बेसिक है, उसके लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की, बहुत प्रयत्न किए और प्रोवाइड भी किया उन्होंने। मगर सामाजिक सुधार, मतलब कुरीतियां खत्म करना, ये सब वो उस समय उनकी प्राथमिकता बनी नहीं थी या नहीं थी। तो अब शूद्र जाति के होने के कारण ज्योतिबा फुले जी को शिक्षा से वंचित रखा गया, ये हम जानते हैं। ईसाई फादर की वजह से उन्हें शिक्षा मिली और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान भी मिला। तो ज्योतिबा जी जब सवर्णों द्वारा कई बार अपमानित हुए बहुत बुरी तरह, तब उन्हें मतलब इस बात का यकीन हो गया कि ये जो सारे फसाद की जो जड़ है वो ब्राह्मणवादी या ब्राह्मणशाही या ब्राह्मणवादी धर्म है। तो उन्होंने अपने बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने पढ़े और इतिहास का भी उन्होंने अध्ययन किया, और अपनी मतलब कलम से, अपने कार्य से, अपने लेखन से उन्होंने वैदिक और ब्राह्मणशाही धर्म की तीखी आलोचना की अपने अंदाज में। जैसे हमने कहा, उनका अंदाज एक थोड़ा अलग था बताने का। तो जैसे गुलामगिरी उनका बड़ा महत्वपूर्ण ये है, ग्रंथ है या रचना है, तो उसमें उन्होंने पुरुष सूक्त की या ब्राह्मण की चालाकियों की, जिस तरह से उन्होंने बखिया उधड़ी, उसे पढ़कर मतलब कोई भी सवर्ण जो है वो एकदम आग बबूला हो सकता था। उसी तरह किसानों का कोड़ा ग्रंथ में भी एक सामाजिक समस्या को उन्होंने हाथ में लिया, लेकिन वहां भी उन्होंने ब्राह्मणों की कुटिलता का विस्तार से वर्णन करके, मतलब अंग्रेजों के साथ साथ मूल निवासियों की भी आंखें खोलने का उन्होंने प्रयत्न किया है। तो एक हल्का सा देखेंगे, गुलामगिरी की प्रस्तावना में देखिए उन्होंने क्या लिखा है कि शूद्रादि अति शूद्रों के समाज की संख्या जैसे जैसे बढ़ने लगी, वैसे वैसे ब्राह्मणों में डर की भावना उत्पन्न होने लगी। इसलिए उन्होंने शूद्रादि अति शूद्रों के आपस में घृणा और नफरत बढ़ती रही, इसकी योजना तैयार की। जाति भेद की फौलादी जहरीली दीवारें खड़ी की। तो उनकी चाल यह थी कि यदि शूद्र और अति शूद्र आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे तो यहाँ अपने टिके रहने की जो बुनियाद है, बेस है, वो बनेगा, है ना। और हमेशा हमेशा के लिए हम लोग उनको अपना गुलाम बनाकर बगैर मेहनत के गुलछरे उड़ा सकते हैं। तो ब्राह्मणों ने इन सबको, शूद्र अति शूद्रों को, समाज के निचले स्तर पर लाकर रख दिया और दर दर का भिखारी बना दिया। लेकिन अफसोस ये है कि इसका रहस्य किसी के ध्यान में नहीं आ रहा। मतलब इतनी जो बड़ी एक डेयरिंग वाली बात उस जमाने में उन्होंने कही, ऐसे प्रदेश में कही जहाँ ब्राह्मणों का कुछ साल पहले तक पूरा राज चल रहा था, और उस समय भी चल रहा था जिस समय वो लिख रहे थे। किसानों का कूड़ा में भी उन्हें ब्राह्मणों की इसी तरह पोल खुली है ना। तो और बहुत ज्यादा खुली है। तो ये दो तो ग्रंथ है ही, और इसमें उन्होंने काफी विस्तार से ये किया है। उनकी और एक रचना है, अछूतों की कैफियत। तो इस रचना में उन्होंने शूद्रों और अति शूद्रों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर कुछ विस्तार से दृष्टिक्षेप डाला है। और भी जगह डाला था, लेकिन लिखने में इस रचना में हम थोड़ा देखते हैं कि वो व्यंग नहीं है। शैली तो वही है संवाद की, लेकिन उस तरह का व्यंग या उस तरह का जो है सटायर उन्होंने यहाँ पे ज्यादा यूज नहीं किया है। तो ये थोड़ा सा एक गंभीर तरह का संवाद यहाँ पे हमें देखने को मिलता है उनका।
तो इसलिए कुछ विद्वानों को शंका है कि ये पूरी तरह शायद फुले जी की मूल रचना है नहीं, मगर इसको दरकिनार करते हुए हम इसे फुले जी की रचना मानकर और अभी तक ये जैसा जिस तरह प्रकाशित है, ये फुले जी की मतलब ग्रंथों में इसे गिना जाता है, तो हम भी इसे फुले जी की रचना मानकर ही इसकी विवेचना करेंगे। और ये ग्रंथ भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा रोचक है। तो अश्रुतों की कैफियत में फुले जी ने सीधा हमला ब्राह्मणवाद पर नहीं किया एज कंपेयर टू अदर उनके जो ग्रंथ थे। तो शूद्रों अति शूद्रों की शोचनीय अवस्था की वजह उन्होंने कहा कि आर्य अनार्य के संघर्ष और आर्यों की महत्वाकांक्षा, मतलब इसका रीजनिंग उन्होंने इस तरह से इसमें दिखाया है। और इस पर काफी विस्तार से उन्होंने ये संवाद रखे हैं और इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो इस कैफियत में जो निष्कर्ष फुले जी ने निकाले हैं ओवरऑल, तो उसको हम इस तरह से लिस्ट कर सकते हैं कि आर्य जो थे वो बाहर से आए थे, ईरान से होते हुए यहाँ आए और लोगों पर यहाँ पे उन्होंने विजय प्राप्त की और उन पर सत्ता स्थापित की। फिर जो जेता आर्य ने खुद को श्रेष्ठ मानकर मूल निवासियों का नीचे का दर्जा दिया और उनको घटिया कामों के लायक समझा, निकृष्ट कामों के लायक समझा। तो ब्राह्मणों की धूर्तता का सहारा लेकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने पुराने धर्म ग्रंथों में बड़ी चालाकी से संशोधन करके और नए धर्म ग्रंथों का निर्माण करके समाज को चार वर्णों में विभाजित कर दिया। शूद्र सबसे निचली पायदान पर थे जिन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, और ऑफ कोर्स पराजित मूल निवासियों को शूद्र की श्रेणी में रखा गया। फिर उन्होंने धर्म ग्रंथों का सहारा लेकर एक और श्रेणी का निर्माण किया जो अति शूद्र या अवर्ण या अछूत कहलाए, और जो किसी वर्ण में नहीं थे, है ना, लेकिन अछूत थे, उनका स्पर्श भी किसी को मंजूर नहीं था। तो उसके बाद ये फुले जी कहते हैं कि मुसलमानों का राज्य आने के बाद भी मतलब ये मसला कुछ ज्यादा हल नहीं हुआ, क्योंकि मुसलमान भी इसे एक धार्मिक मसला बनाकर मानकर उन्होंने उसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया या हस्तक्षेप किया नहीं, और जो ब्राह्मणों की लूटपाट है वो चलती रही। लेकिन इतना ही नहीं, फुले जी आगे कहते हैं, देखिए ये बहुत कम लोग शायद कहते होंगे इस तरह, कि शिव छत्रपति के राज्य में भी शूद्रों अति शूद्रों की तरफ से महाराज जी ने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि राजे शिव छत्रपति तो गो ब्राह्मण प्रतिपालक ही थे। तो मतलब ये जो उनको टाइटल था शिवाजी को, ये केवल गो और ब्राह्मण तक ही सीमित था, ऐसा फुले जी का विधान इसमें था। लेकिन उसके बाद जो मराठों के राज्य के बाद फिर अंग्रेजों की सत्ता आने के बाद फुले जी ने ये निष्कर्ष निकाला कि हाँ, शूद्र अति शूद्रों की स्थिति सुधरनी शुरू हुई है, अब उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिल रहे हैं और जिससे उन्हें अपनी स्थिति समझ आने लगी है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक तरह से ग्रंथ कह सकते हैं इस विषय पर फूले जी का है, और इस ग्रंथ में निकाले गए निष्कर्ष हो सकता है चर्चा का विषय हो सकते हैं, मतलब किसी का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है या अन्य लोगों से मैच ना होते हो, मगर एक बात फूले जी के सभी ग्रंथों से स्पष्ट है, वो ये कि आर्यों ने बाहर से आकर देश की सत्ता हासिल की और ब्राह्मणों और धर्म ग्रंथों की सहायता से यहाँ के पराजित मूल निवासियों के दिलो दिमाग पर वो हावी हो गए और उन्हें शूद्र अति शूद्र बना दिया। मतलब ये एक उनका बड़ा क्लियर निष्कर्ष हमें हर ग्रंथ में देखने को मिलेगा। तो फुले जी के बाद चलते हैं अब हम बाबा साहेब के शोध कार्य और उनके द्वारा प्रतिपादित शूद्रों और अति शूद्रों से संबंधित कुछ बड़े महत्वपूर्ण निष्कर्षों की ओर। तो बाबा साहेब ने इन दोनों श्रेणियों को का अभ्यास जो था, शूद्र का और अति शूद्रों का या अस्पृश्यों का या अछूतों का, वो अलग अलग किया। क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि दोनों श्रेणियों की जो जैसे कि उत्पत्ति का काल, उसकी वजह है और उसके सामाजिक व्यवस्था पर होने वाले परिणाम है, वो एक तरह से सर्वथा भिन्न थे, अलग थे और एक दूसरे से लिंक नहीं थे। हालांकि दोनों ही प्रताड़ित थे, लेकिन परिस्थितियां जो जिससे वो निर्माण हुए ये श्रेणियां,
वो शायद भिन्न वजह थी और परिस्थिति, इसलिए उनका अभ्यास इन्होंने अलग अलग किया। तो शूद्रों को पहले देखेंगे, तो उनके शूद्रों पर जो शोध कार्य किया उसके द्वारा लिखित, तो मतलब बाबा साहेब द्वारा लिखित शूद्र कौन और कैसे, ये अनमोल ग्रंथ है। बहुत ही मतलब उनके गहन शोध कार्य की एक तरह से परिणति थी। तो बाबा साहेब ने इस ग्रंथ और इस शोध कार्य की जरूरत क्या हुई उनको और क्यों हुई, तो शुरू में उन्होंने बता दिया कि ये क्यों लिखा उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि इस पुस्तक में दो प्रश्नों का उत्तर पाने का प्रयास किया गया है कि नंबर वन शूद्र कौन थे, नंबर टू उन्हें भारतीय आर्य समुदाय का चतुर्थ वर्ण कैसे बनाया गया। मतलब ये दो जो बेसिक क्वेश्चन है इसका उन्होंने यहाँ पे विश्लेषण किया है। तो बाबा साहेब तो बहुत वाकिफ थे कि इस ग्रंथ का हिंदू समुदाय पर कितना भयंकर असर होगा, और उन्होंने लिखा भी है कि मैं कल्पना कर सकता हूँ कि इस पुस्तक पर रूढ़िवादी हिंदुओं की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि मैं अरसे से उनके साथ लोहा ले रहा हूँ। बस मैं केवल इतना नहीं समझ पाता हूँ कि एक विनम्र और अहिंसक दिखने वाला हिंदू उस समय कितना हिंसक हो उठता है जब कोई उस उनके मतलब पवित्र ग्रंथों की मतलब सच्चाई खोलता है या परतें खोलता है। तो ये आप ये मैंने विशेषकर इसको लिया है और ये दिखाने के लिए कि आज भी परिस्थिति, मतलब ये 45-46 के आसपास ये निबंध ग्रंथ उन्होंने लिखे होंगे, लेकिन आज भी मतलब के 75 साल के बाद भी हम देखते हैं कि हिंदुओं का जो टॉलरेंस है वो घटना तो दूर बल्कि और बढ़ता जा रहा है। तो ये बड़ा उस लिहाज से एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट हम देख सकते हैं इसमें। तो तात्पर्य ये कि हिंदू समाज की ऐसी प्रतिक्रियाओं से बाबा साहेब भलीभांति परिचित थे, है ना, मगर सत्य की खोज करना और सच्चाइयों से रूबरू कराना तो बाबा साहेब की आदत ही थी, तो ये वो बदल नहीं सकती थी। तो इस ग्रंथ को बाबा साहेब ने 12 अध्यायों में मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया है, विभाजित किया है। तो उन सभी की विवेचना करना संभव नहीं है, अगर करना भी चाहे तो शायद इतना मुश्किल होगा, क्योंकि बाबा साहेब द्वारा वर्णित धार्मिक ग्रंथों के जो इतने सारे उद्धरण हैं और जो एग्जाम्पल्स हैं, कोट्स हैं, उनकी इतनी जल्दी जल्दी कड़ियां जोड़ना इतने कम समय में पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि बाबा साहेब द्वारा निकाले गए निष्कर्षों पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे, है ना। तो अब निष्कर्षों तक पहुंचने से पहले जो जो भी उपयोगी तथ्य या ऐतिहासिक तथ्य बाबा साहेब के सामने थे या उन्हें प्राप्त हुए या उन्होंने प्राप्त किए, तो इन तथ्यों का वर्णन विस्तार से उन्होंने पहले 11 अध्यायों में किया है ना, और 12वें अध्याय में उन्होंने अपने निष्कर्ष रखे हैं। तो इनमें से हम 5 महत्वपूर्ण तथ्यों की मतलब संक्षिप्त चर्चा यहाँ करेंगे, तो मूल ग्रंथ में तो ज्यादा है। तो 5 ये है कि शूद्रों की समस्या, नंबर वन, नंबर टू क्या शूद्र क्षत्रिय थे, नंबर थ्री वर्ण 3 है या 4, या वर्ण 3 थे या 4, ब्राह्मण अगेंस्ट शूद्र, ब्राह्मण बनाम शूद्र, और 5वां शूद्रों का पतन कैसे हुआ। तो एक एक करके थोड़ा सा इस पर हम लोग जल्दी से नजर डालेंगे। तो बाबा साहब ने पहले तो ये साबित कर दिया कि मतलब एक जो टाइटल इसका पहली समस्या कि शूद्रों की समस्या, तो क्या शूद्र क्षत्रिय थे, है ना। तो बाबा साहब ने ये साबित कर दिया कि शूद्र अनार्य नहीं थे। अब अनार्य नहीं तो फिर तो कौन थे, तो शूद्र आर्य थे, शूद्र क्षत्रिय थे, और शूद्र क्षत्रियों में इतने उत्तम और महत्वपूर्ण वर्ण थे मतलब एक समय में, कि प्राचीन आर्यों के समुदाय में अनेक शूद्र तेजस्वी और बलशाली राजा थे। ये उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों की पड़ताल करके कहा। अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए बाबा साहब ने महाभारत के शांति पर्व अध्याय 6-60 और ऋग्वेद वगैरह का आधार लिया, तो जिसमें एक महाप्रतापी राजा पैजवान उर्फ सुदास, उसका वर्णन है कि जो कि शूद्र था, मतलब महाप्रतापी राजा जो शूद्र था।
मतलब शूद्र बाद में रेफरेंस में आया वो। तो बाबा साहेब ने निष्कर्ष निकाला कि महाभारत में वर्णित पैजवान और सुदास, और जो ऋग्वेद में सुदास के नाम से वर्णित है, तो ये क्षत्रिय था। तो मतलब एक समय शूद्र वास्तव में क्षत्रिय थे। तो बाबा साहब का ये निष्कर्ष दूसरे इतिहासकारों से भी काफी मेल खाता है, जो उन्होंने अपने ग्रंथ में बाकी इतिहासकारों के भी जो निष्कर्ष दिए हैं उन्होंने, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो भी हैं। तो ये तो पहला निष्कर्ष हो गया। अब दूसरा, वर्ण तीन है या चार? तो अगर शूद्र वास्तव में क्षत्रिय थे तो इसका मतलब कि वर्ण केवल तीन ही होने चाहिए थे। बाबा साहब ने ये सिद्ध किया। तो सबसे पहले शंका उपस्थित कि सबसे पुराने और सर्वमान्य ग्रंथ जो है वेद उनके, और उसमें जो पुरुष सूक्त है उसमें तो स्पष्ट तौर पर चार वर्णों की बात है ना, कि वो जो पुरुष ईश्वर पुरुष है उसने उनके मुख से ब्राह्मण और भुजाओं से क्षत्रिय और फिर जंघाओं से वैश्य और पांव से शूद्र की उत्पत्ति हुई। तो ये बड़ा, ये हम सभी लोग जानते ही हैं। तो ये कंफ्यूजन वाली बात थी कि वहां कैसे। तो बाबा साहब ने विश्लेषण किया कि ऋग्वेद और यजुर्वेद में एक मतलब पुरुष सूक्त अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे वेदों में कहीं भी चौथे वर्ण के रूप में शूद्र वर्ण का उल्लेख नहीं मिलता। जहां भी वर्ण का उल्लेख आता है, और उन्होंने बाकायदा चार्ट दिए हैं इस किताब में कि इतनी जगह ये इसका उल्लेख है, इतनी जगह इसका उल्लेख आया है पूरा, तो कहीं भी शूद्र वर्ण का उल्लेख इस सूक्त के अलावा नहीं मिलता। और इसके बाद वेदों के बाद जो ब्राह्मण लिखे गए थे ग्रंथ, जो तैतरीय ब्राह्मण या शतपथ ब्राह्मण, तो इसमें भी तीन ही वर्णों का जिक्र है ना। तो बाबा साहब ने ये कहा कि पुरुष सूक्त एक बहुत बात की मतलब एक तरह से एक ये षड्यंत्र है कि इसको बाद में इसको रचा गया, ये बाद की रचना है, और इसे बाद में एक परिशिष्ट के रूप में, अपेंडिक्स के रूप में वेदों में जोड़ा गया। तो ये बड़ा क्लियर है कि दिस वॉज अ सॉर्ट ऑफ यू नो बदमाशी, और ये बाद में उसमें जोड़ा गया है। तो शुरू में तीन ही वर्ण थे, और इवन प्रसिद्ध जो इतिहासकार हैं विश्व के मैक्स मुलर, उन्होंने भी यही निष्कर्ष निकाला था कि ये बाद में जोड़ जाड़ किया हुआ चीज है। अब चलते हैं ब्राह्मण बनाम शूद्र के, उनमें क्यों इतना ये रहा संघर्ष क्यों हुआ? तो प्रश्न ये था कि क्षत्रियों को शूद्र बनाकर और उन्हें निकृष्ट दर्जे का क्यों बना दिया गया, है ना, शूद्र जब इतने महाप्रतापी राजा थे और इतना सब उनमें शौर्य था, और उनसे सामाजिक प्रतिष्ठा भी क्यों छीन ली गई, मतलब उनके अधिकार भी छीन लिए गए, है ना। तो बाबा साहब ने और इतिहासकारों के मुकाबले ये प्रश्न पहली बार उठाया। बाकी इतिहासकारों ने ये सिद्ध कर दिया कि हाँ ये सब तीन ही वर्ण थे और ये बाद में क्रिया किया गया, लेकिन ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी और क्यों किया गया, इसकी मीमांसा शायद किसी ने करने की कोशिश नहीं की जो पहले बार बाबा साहब ने की। तो बाबा साहब ने पाया कि क्षत्रियों की अवनति की मुख्य वजह ब्राह्मणों और क्षत्रियों के जो बीच दुश्मनी और निरंतर संघर्ष चलता रहता था, मतलब इसकी मुख्य वजह ये थी। तो और इसकी शुरुआत हुई थी गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र के मतलब जो दुश्मनी से। और बाबा साहब ने इसके लिए हरिवंश पुराण मतलब पूरे पुराण पढ़े, और विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराणों पुराण, इन सब ग्रंथों से उन्होंने इस ग्रंथ में काफी उदाहरण दिए हैं, है ना, इसको अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। अब वशिष्ठ जो थे ब्राह्मण पुरोहित थे और विश्वामित्र क्षत्रिय पुरोहित थे। तो बहुत सारे मौके हैं पुराणों वर्णित है जब ये दोनों पुरोहित जो है आपस में भिड़े और एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए थे, है ना। तो देखिए मतलब ये उनका जो उनकी नीतिमत्ता थी कि ये जान के दुश्मन भी हो सकते थे, है ना, और पुरोहित भी थे। तो अब वशिष्ठ जो थे वो राजा सुदास जो हमने अभी देखे था, एक शूद्र था,
उसके पुरोहित थे, और वशिष्ठ ने सुदास को बड़ा महाप्रतापी राजा बनने में मदद की थी। लेकिन फिर भी सुदास ने क्या कि वशिष्ठ को हटाकर विश्वामित्र जो कि एक क्षत्रिय पुरोहित था उसको पुरोहित बना दिया अपना। अब इसका रिजल्ट तो जो होना था वही हुआ कि वशिष्ठ और विश्वामित्र के साथ साथ, मतलब वशिष्ठ जो थे वो सुदास के भी दुश्मन बन गए। तो ये एक हल्का सा अंदाजा हमें इस बात का लग सकता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। लेकिन बाबा साहब ने और भी कई पुराणों के हवाले से यह सिद्ध किया कि ब्राह्मण और क्षत्रिय का संघर्ष केवल वशिष्ठ विश्वामित्र तक सीमित नहीं रहा। ब्राह्मण और क्षत्रियों के संघर्ष के अन्य कई उदाहरण प्रसंग पुराणों में मिलते हैं, है ना। और इसके मुख्य मुद्दा इनमें यही था कि दान लेने का अधिकार कहते ब्राह्मणों को ही है, वेद पढ़ाने का अधिकार ब्राह्मणों को ही है, यज्ञ कराने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है। तो इस अधिकार को लेकर इनकी खींचातानी चलती रही। अब क्षत्रियों से परेशान हो गया ब्राह्मण, तो उन्होंने क्षत्रियों को सबक सिखाने की ठान ली, और उन्होंने क्या किया इसके बदौलत, मतलब इस सोच की बदौलत उन्होंने क्षत्रियों को समाज में एकदम निचले स्थान पर धकेल दिया। और इतना ही नहीं, उन्हें निचले स्थान पर लाकर उनको अधिकारों से भी वंचित कर दिया कि उनको इस चीज का अधिकार नहीं, वो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो विद्या नहीं ग्रहण कर सकते, वो बिजनेस नहीं कर सकते, वो ये सब, मतलब उनके ये अधिकार भी छीन लिए गए। और उनका काम इन तीन वर्णों की सेवा चाकरी करने का रह गया, मतलब ये है ना, ये उन्होंने कर दिया। तो ये तो बड़ा बड़ा अचीवमेंट था ब्राह्मणों के लिए, है ना। लेकिन ये बाबा साहब ने अगला प्रश्न किया कि ये उन्होंने किया कैसे, उन्होंने क्या हथकंडे अपनाए, है ना। तो इसका भी उन्होंने फिर जिक्र किया है कि शूद्रों का पतन कैसे हुआ इन लोगों का। तो इसके लिए बाबा साहब ने कहा कि ब्राह्मणों ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, उन्होंने शूद्रों का उपनयन संस्कार करने से इनकार कर। तो बाबा साहब कहते इसमें कोई संदेह नहीं कि इसी हथकंडे से उन्होंने शूद्रों को बड़ा मतलब हीन और मतलब नफरत लायक बना दिया है, या एकदम हीन दीन बना दिया। तो शुरू में जैसे हम जानते हैं कि उपनयन संस्कार जो हिंदुओं का था, तो वो एक साधारण सा संस्कार होता था कि बालक जब 7-8 साल का या 8 से 11 साल का हो जाता था तो अपने आचार्य के पास जाता था, और फिर विद्या अध्ययन करने हेतु तो मतलब फिर ब्रह्मचारी बनने की याचना करता अपने गुरु आचार्य से, और उसके पास रहने के लिए उसको फिर अनुरोध करता था। तो ये एक बड़ा सिंपल सा ये था, है ना, जैसे गुरुकुल में जाना और वहां रहना। लेकिन समय के साथ साथ इस संस्कार का भी मतलब विस्तार होता गया, है ना। अब शुरू में उपनयन संस्कार में कहीं भी यज्ञोपवीत संस्कार का जिक्र नहीं था। स्टार्टिंग यज्ञोपवीत हम सब जानते हैं, जिसे हम जनेऊ संस्कार के नाम से जानते हैं सब लोग। तो ये पहले शुरू में कहीं पे इससे कोई लिंकिंग नहीं था इसका, लेकिन इसे बाद में उपनयन संस्कार का भी हिस्सा बना दिया, है ना। तो बाबा साहब ने इसकी भी पड़ताल करके ये कहा कि ये यज्ञोपवीत संस्कार का मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति को उसके गोत्र से जोड़ दिया जाए, या उसको एक गोत्र दे दिया जाए, उसके पिताजी का गोत्र या जो भी है ना। तो वैसे उसे उपनयन से जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, एजुकेशन स्टडी अलग चीज है और ये अलग चीज है गोत्र, है ना। लेकिन वो उनकी चालाकियां देखिए, उन्होंने उसे जोड़ दिया उसके साथ। तो बाबा साहब ने कई उदाहरण देकर भी ये सिद्ध कर दिया कि यज्ञोपवीत संस्कार जो था वो इसकी महत्ता ब्राह्मणों ने जानबूझकर इतनी बढ़ा दी, है ना, और उसमें इतने चेंजेस कर दिए उस संस्कार में, है ना, कि एक समय ऐसा है कि उपनयन संस्कार को जो है वो संपत्ति के अधिकार से जोड़ दिया है। मतलब वही संपत्ति के लिए पात्र है जो उपनयन के लिए पात्र है। मतलब आपकी आप इस लायक नहीं कि आपका उपनयन हो, तो मतलब आप संपत्ति के लायक भी या अधिकार नहीं है आपको। तो स्थिति ऐसी आ गई कि उपनयन संस्कार अगर जिसका नहीं हुआ है वो शूद्र बना रहता था और कई अधिकारों से वंचित रहता था उस समय तक। तो
ये बाबा साहब ने कहा कि ये उनका मास्टर स्ट्रोक था, और इसी संदर्भ में और भी उसके कई निष्कर्ष बाबा साहब ने निकाले हैं कि उपनयन न होना शूद्रता की पहचान थी, शूद्र और स्त्रियां भी कभी उपनयन के अधिकारी थे वंस अपॉन ए टाइम, है ना, जो बाद में बंद कर दिया गया बदमाशी करके। शूद्रों का उपनयन बंद कराने का अधिकार भी ब्राह्मणों ने अपने पास रख लिया था, मतलब किसको उपनयन करना है नहीं करना है ये ब्राह्मण डिसाइड करेंगे, और इसी अधिकार का उपयोग करके उन्होंने शूद्रों का उपनयन संस्कार निषिद्ध कर दिया। और अल्टीमेटली हुआ यही कि इस संस्कार से वंचित रहने के कारण ही शूद्रों के मतलब जो जो पतन का जो कारण था वो यही था, ये बाबा साहब ने सिद्ध कर दिया। तो ये उन्होंने बड़ा ये हुआ, और इसी ग्रंथ में उन्होंने अपनी बात को मजबूती देने के लिए जैसे शिवाजी के राज्याभिषेक प्रसंग को भी काफी विस्तार से वर्णित किया है इसमें। और शिवाजी का इतिहास कोई पुराना नहीं है, शिवाजी तो छत्रपति राजा थे, तो उन्होंने क्या किया, बनारस से पुरोहित बुलाकर अपने राज्याभिषेक की अड़चन दूर कर दी। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि शिवाजी के जो ब्राह्मण मंत्री थे वो भी उनके राज्याभिषेक के खिलाफ थे, है ना, शुरू में, मगर जैसे उनको बाद में धन का प्रलोभन दिया गया तो उन्होंने अपना विरोध वापस ले लिया गया, ये भी बड़ा हास्यास्पद है। तो ग्रंथ के अंत में बाबा साहेब ने अपने निष्कर्षों को इस तरह से प्रतिपादित किया कि सूर्य आर्य आर्यवंशी शूद्र आर्य सूर्यवंशी आर्य जातियों के मतलब एक कुल या वंश थे, है ना, आर्य। भारतीय आर्य समुदाय में शूद्र का स्तर क्षत्रिय वर्ण का था। एक समय में आर्यों में केवल तीन वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही थे, है ना, शूद्र क्षत्रिय का ही एक भाग था। शूद्र और ब्राह्मणों में निरंतर संघर्ष चलता रहा, जिससे ब्राह्मणों को बहुत अपमान सहना पड़ा और अत्याचार सहना पड़ा, ऐसा ब्राह्मणों ने क्लेम किया। तो शूद्रों के अत्याचार और उत्पीड़न से त्रस्त ब्राह्मणों ने प्रतिशोध लेने की ठानी और उसका उनका शूद्रों का उपनयन संस्कार बंद करवा दिया, और इसी की वजह से शूद्रों का सामाजिक पतन भी हुआ, वो अधिकारों से भी वंचित हो गए और उनका स्तर बहुत ही निम्न हो गया, है ना, और वो परिणाम स्वरूप में समाज का चौथा वर्ग बन गया। तो ये पूरा ग्रंथ जो है अपने आप में बड़ा मौलिक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे सभी को पढ़ना चाहिए। अब हम उनकी दूसरी रचना पर देखते हैं जो अस्पृश्यों पर है या अति शूद्रों पर है, कह सकते हैं कि अछूत कौन और कैसे, एक बड़ा उनका सर्वमान्य और रिकग्नाइज और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है रचना है उनकी। तो ग्रंथ के शुरुआत में बाबा साहब ने कहा कि वैसे तो बहुत सारे लोग हैं ये जो हिंदुओं के इस अवस्था से या व्यवस्था से सॉरी पीड़ित हैं, जैसे कि जो जरायम पेशा जनजातियां हैं, है ना, जो लूटपाट करती हैं इधर उधर ये करती हैं, आदिवासी जनजातियां हैं, नोमैडिक्स हैं जो, है ना, जिनकी संख्या लगभग 1.5 करोड़ है, और अछूत है जिनकी संख्या लगभग 5 करोड़ है उस समय, है बाबा साहब। तो इस ग्रंथ में उन्होंने कहा हमने केवल अछूतों की समस्या पर प्रकाश डाला है, तो अस्पृश्यता की उत्पत्ति से संबंधित सभी प्रश्नों पर मतलब इस ग्रंथ में उन्होंने विचार किया है, केवल उनकी अवस्था कैसी है ऐसी है बस वो नहीं है, है ना। तो क्या जैसे अछूत गांव के बाहर सिरों पर ही रहते थे, बाउंड्री पे, बाउंड्री के बाहर, गाय का मांस खाने से कोई अछूत कैसे बन गया, क्या हिंदुओं ने कभी गोमांस नहीं खाया, गैर ब्राह्मणों ने गोमांस भक्षण क्यों त्याग दिया, ब्राह्मण शाकाहारी क्यों बने, है ना। तो ये बहुत सारे प्रश्न है मतलब इसे जो बहुत कम लोगों ने इसके ऊपर पड़ताल की और बाबा साहब ने की, तो ये मतलब बाबा साहब कहते हैं कि ये पुस्तक पुरानी बातों पर एक नए दृष्टि से विचार करने का प्रयास है ना। तो ये तो अब आगे चलते हैं कि उन्होंने क्या दिया है कि गैर हिंदुओं में छुआछूत नहीं थी क्या, मतलब कोई कह सकता है, तो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल थी। तो जैसे कुछ विशेष घटनाओं पे कुछ विशेष अवसरों पर एक ये होता था कि अशुद्धि या अपवित्रता मानी जाती थी, है ना, कि जैसे जन्म का अवसर है, दीक्षा संस्कार है,
बालिग होना है ना, मैच्योर होना या एज ऑफ प्यूबर्टी, तो विवाह का संस्कार है, सहवास है और मृत्यु है। तो इन सब मौकों पर अलग अलग वजह से अलग अलग तरह की मतलब अपवित्रता अशुद्धि मानी जाती थी। और जैसे कि गर्भवती माताओं को भी अशुद्ध माना जाता था, या जो मासिक धर्म वाला जो था वो उसमें भी मतलब अपवित्रता मानी जाती थी। तो ये तो अन्य जगह भी था हिंदुओं के अलावा और पुरातन का आदिम काल में भी था, लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि पवित्रता की भावना का संबंध, अशुद्धि की भावना का संबंध केवल वस्तुओं से मतलब या किसी विशेष अवसरों से था, है ना, कि इन अवसरों पर ही ये होते थे टेम्पररी, और जैसे ही वो अवसर का ये निकल जाता था तो वो फिर से नॉर्मल हो जाती थी चीजें। लेकिन और हिंदुओं में भी इस तरह के हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रसंग है जब कुछ टेम्पररी अशुद्धि या अपवित्रता की बात मानी जाती है, जन्म है, मृत्यु है। मनु ने बड़ा विस्तार से अपने उसमें इसकी चर्चाएं की हैं कि कब अपवित्रता फैलती है। लेकिन एक और तरह की छुआछूत हिंदू मानते हैं, बाबा साहब कहते हैं कि, और ये है कि कुछ जातियां जो है पुश्तैनी छुआछूत की शिकार है, है ना। तो आदिम समाज में अपवित्रता का काल कुछ समय के लिए होता था, है ना, और वो समय बीत जाने पर कुछ शुद्धि संस्कार होते थे, है ना, नहा लिया, आचमन कर लिया, ये कर लिया, कुछ पूजा कर ली, तो उसके बाद वो मतलब शुद्ध हो जाते, है ना, है ना। तो लेकिन बाबा साहब जिन अछूतों की बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि हिंदू समाज में ये अशुद्धता जो है वो आजीवन है, मतलब इसकी कोई शुद्धि नहीं है। मतलब जो हिंदू उन अछूतों का स्पर्श करते हैं वो शुद्ध हो सकते हैं स्नान करने से, पूजा करने से या किसी आचमन से, या लेकिन जिन अछूतों को वो स्पर्श करते हैं उनकी शुद्धि का कोई तरीका नहीं, वो अपवित्र ही पैदा होते हैं, अपवित्र ही बने रहते हैं, अपवित्र ही मर जाते हैं, है ना। तो ये बहुत ही अलग तरह की मतलब ये है। और जैसे उस समय बाबा साहब ने हवाला दिया जनगणना का कि 429 जातियां जो थी और जिनका टोटल पॉपुलेशन कह सकते कि 5-6 करोड़ था उस वक्त, है, ऐसे लोग इस कैटेगरी में थे, मतलब 5-6 करोड़ जो लोग थे वो छूने लायक नहीं थे इस हिंदू समाज में। तो ये बड़ी अनोखी चीज है जो कहीं वर्ल्ड में कहीं देखने को नहीं मिली, है ना। फिर क्या अछूत गांव के बाहर रहते थे, तो मतलब जैसे कई लोग अपने व्याख्यानों में बता चुके हैं कि कुछ शब्द हैं अंत्यज और अंत्यवासी और ये सब, तो अंत्यजों का जो मीनिंग बताया गया था कि वो मतलब गांव से बाहर है। अंत्यज मतलब ये नहीं कि आखिर में पैदा हुआ या पांव से पैदा हुआ, ये ऐसा नहीं, बल्कि अंत्यज मतलब गांव से, गांव के अंत में, गांव से बाहर एक तरह से, है ना। और मनु के कई स्मृति मतलब उनके जो है उनके लिए रूल्स हैं, या कि मुर्दों के उतरे हुए वस्त्र उनके वस्त्र हो, टूटे बर्तनों में वो भोजन करें, तो इस तरह के, है ना। तो अब पहले क्या होता था कि आदिम समाज जब था तो वो एक कबायली समूह होते थे, है ना, और ये कबीले और जो ये जो कबीले और उनकी जातियां होती थी, तो ये लोग क्या होता था उस समय, इतना तो सोशल मतलब सिविलाइजेशन था नहीं, तो पशुओं की चोरी करना, स्त्रियों को उठा ले जाना, ये बड़ा होता था। तो ये फिर इनके युद्ध होते थे आपस में, तो युद्धों के बाद जो मतलब जो दल परास्त होता था वो टुकड़े टुकड़े हो जाता था, और इस तरह जो टुकड़े टुकड़े दल के जो लोग है वो छितरे बिखरे होकर इधर उधर घूमते रहते। तो बाबा साहब ने उनको संज्ञा दी छित्रे व्यक्ति, मतलब ब्रोकन मैन, और ये एक गहरी समस्या की ये लोग फिर बाद में शिकार हुए, है ना। अब दूसरा ये एस्पेक्ट था कि कुछ जो घुमंतु लोग थे, जो नोमैडिक ट्राइब्स थे, उन लोग भी कभी कभी मतलब ये जो गांव में बसे हुए या बस्ती में बसे हुए लोगों की संपत्ति का लालच उनको होता था और वो उन पर हमला करते थे, है ना।
अब जो बेचारे गांव में बसे हुए लोग थे वो थोड़ा शरीफाना अंदाज में वो इस तरह से घुमंतुओं को मारकाट नहीं कर सकते थे और करना भी नहीं चाहते थे, तो एक वो उनकी कमजोरी थी। तो उनको ऐसे लोग चाहिए थे गांव के लोगों को कि जो इन नोमैडिक से उनके मतलब आक्रमण से उनकी रक्षा करें। तो उन्होंने एक तरह का कह सकते हैं कि एक अलिखित समझौता हो गया इन लोगों के, जो गांव के बाहर जो ये छितरे लोग थे इनसे उन्होंने एक अलिखित समझौता कर लिया कि ठीक है हम आपको यहाँ कुछ सुविधाएं देंगे और आप हमें प्रोटेक्शन देना करके। तो ये एक तरह का ये, लेकिन ये सिर्फ एक, इसमें अभी भी कहीं भी अछूत की बात नहीं थी ना। तो अछूत क्या छितरे हुए लोग ही हैं? तो बाबा साहब ने तो बिल्कुल एकदम ये कहा कि हाँ जो छितरे हुए लोग हैं उन्हीं में से ये अछूत लोगों की उत्पत्ति हुई है ना। तो ये बाबा साहब ने एक बड़ा ये किया है। और इसके लिए उन्होंने जैसे महाराष्ट्र की में एक जाति महार है जिस खुद बाबा साहेब महार जाति से थे, तो उन्होंने उसका भी उदाहरण दिया कि महार जो है प्रत्येक गांव में पाए जाते हैं और बारी बारी से गांव की पहरेदारी करते हैं और फिर उनको कुछ अधिकार भी मिले हुए हैं मुस्लिम राजाओं से कि खाना इकट्ठा करना गांव का, गांव के मरे हुए पशुओं पर अधिकार उनका है ना, फसल के समय गांव से अनाज भी इकट्ठा कर सकते हैं वो। तो इस तरह के उदाहरणों से उन्होंने सिद्ध किया कि हाँ ये जो अछूत लोग थे ये एक जमाने में छितरे लोग ही थे है ना। सभी छितरे अछूत नहीं हुए लेकिन अछूत छितरे हुए ही थे। फिर बाद में उन्होंने और भी इस पर चर्चाएं की कि क्या और जगह भी विश्व में ऐसी समानताएं हैं, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल आयरलैंड और वेल्स में भी उन्होंने उदाहरण दिए कि इस तरह ये हुआ है और इस तरह के लोग गांव मतलब गांव के बाहर सीमा पर रहते थे जिनको गांव के लोग पराया मानते थे और उनका मतलब गांव के लोगों से कोई ऐसा पारिवारिक संबंध नहीं था। तो फिर ये बस्तियां बाहर कैसे लुप्त हो गई? तो उन्होंने कहा कि उन लोगों ने मतलब बाद में जो तो रक्त संबंध को बदल कर उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो स्थान का जो संबंध है स्थान की समानता है कि हम यहाँ इतने साल से हैं ये लोग भी यहाँ इतने साल से, तो अब ये एक तरह से हमारे हो गए हैं तो हम इन्हें अपने ग्रुप में शामिल कर सकते हैं और इनको बाहर से अंदर कर सकते हैं। तो ये वहां के लोगों ने इस तरह के अपने नियम में ढिलाई दी, बदलाव किए और वो उनको फिर, तो इस वजह से जो बाहर विश्व में इस तरह की जो बस्तियां थी गांव के बाहर की वो लुप्त हो गई। तो भारत में ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो बाबा साहब ने इसकी बड़ी वजह बताई कि भारत में भी ऐसा हो सकता था लेकिन भारत में हुआ कि अस्पृश्यता की धारणा का जन्म हुआ और उसकी वजह से ये हुआ कि जो भी थोड़ी बहुत संभावना थी पॉसिबिलिटी थी कि वो सब शायद दूसरे अन्य विश्व में अन्य जगह जैसा हुआ वैसा कुछ यहाँ भी हो सकता था, छुआछूत ने और अस्पृश्यता ने उसको उसकी संभावना पूरी तरह खत्म कर दी है ना। अब असली विषय पर जब वो आते हैं कि अछूतपन की उत्पत्ति क्यों हुई होगी, तो एक स्टैनले राइस जो समाजशास्त्री थे उनके भी बाबा साहब ने कोट किए हैं कि उनका स्टेटमेंट ये था कि दो बातों से उत्पन्न हुई कि नस्लें, कुछ नस्लें अपने आप को श्रेष्ठ मानती थी कुछ निकृष्ट नस्लें थी, और दूसरा पेशा मतलब के जो लोग गंदा पेशा करते थे बाद में वो इस तरह से हे बन गए या निकृष्ट अछूत बना दिए गए। तो बाबा साहब ने इसका भी बड़ा उन्होंने ये पड़ताल की है और उन्होंने कहा जो ये जो इस तरह के ये नस्ल का जो भाग है इसमें इस तरह जो स्टैनले राइस ने कहा कि आर्य द्रविड़ दास और नाग ये चार अलग अलग नस्लें थी इंडिया में या भारत में, तो बाबा साहब ने कहा नहीं, उन्होंने संशोधन करके ये बताया कि नहीं केवल दो ही नस्लें थी, एक आर्य और द्रविड़ है ना। और फिर दूसरा ये कि अब कौन आर्य है और कौन द्रविड़ है इतना मिक्सअप हो गया ना कि हम देखते हैं कि साउथ में भी ब्राह्मण है नॉर्थ में भी ब्राह्मण है ना। तो अगर ये द्रविड़ है या वो आर्य है या ऐसा, ये इस पे कंफ्यूजन तो बना ही रहेगा। तो
मानव शरीर शास्त्र मतलब और उसका जो एथनोग्राफी जो मानववंश विज्ञान के आधार पर बाबा साहब ने कहा कि ऐसा लगता है कि ब्राह्मण और अछूत एक ही नस्ल के हैं, रेस के, है ना। तो अगर ब्राह्मण आर्य है तो अछूत भी आर्य है, ब्राह्मण द्रविड़ है तो अछूत भी द्रविड़ है, मतलब इस तरह का एक बाबा साहब ने ये किया। लेकिन ये विषय था नहीं उनका, ये जो उनकी ये चर्चा थी वो स्टेनले राइस की जो जो स्टेटमेंट थी उसको काउंटर करने के लिए थी। और दूसरा जो स्टेनले राइस ने कहा था कि ये जो गंदे काम करते थे जो लोग उनको बाद में अछूत बना दिया, तो बाबा साहब मतलब स्पेशली जो दास लोग थे तो बाबा साहब ने कहा नहीं ऐसा नहीं है कि एक जमानों में दास कोई भी किसी का भी दास हो सकता था, मतलब कोई किसी का नहीं, जैसे कि शूद्र का दास शूद्र ही हो सकता था, लेकिन ब्राह्मण का दास शूद्र वैश्य वैश्य क्षत्रिय कोई भी हो सकता था, और एक ब्राह्मण से ब्राह्मण का ही दास हो सकता था, ये भी था मतलब पहले के नियम में इस तरह के। तो अगर एक ब्राह्मण का दास ब्राह्मण है तो जब वो दास बन गया है तो उसके लिए फिर सभी वो काम करने पड़ते थे, उसको झाड़ू भी लगानी होगी, नालियां साफ करनी होगी, उसको भंगी का काम करना होगा और ये सब करना होगा उसको। तो एक ब्राह्मण भी अगर ब्राह्मण के घर दास बनकर रहता था किसी वजह से तो वो ये सब घृणित कार्य करता था, लेकिन उनको नहीं बनाया गया ना अछूत, तो गंदे काम करने की वजह से अछूत बने, ये आधार भी गलत है। तो स्टेनले राइस के दोनों स्टेटमेंट उन्होंने काउंटर कर दिए। हाँ, तो अंग्रेजों द्वारा जो मतलब जनगणना हुई थी उस समय एकदम शुरुआती में, तो उसमें ये देखा गया कि ब्राह्मण जो है अछूतों से खुद को ऊंचा मानते थे और उनसे घृणा करते थे, और इसलिए अछूतों के अपने पुजारी होते थे, है ना। लेकिन अगर ये कहा जाए कि अछूत भी ब्राह्मणों को अपवित्र मानते थे और उनसे घृणा करते तो बड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन ये फैक्ट था, बाबा साहब कहते हैं। तो अछूत हमेशा अछूत नहीं थे, है ना, वो छितरे हुए लोग थे, है ना। तो क्या हुआ कि छित्र लोग अचानक मतलब अछूत बन गए या इनमें से कुछ लोग अछूत बन गए, है ना। तो अब ये जो है कि एक वजह ये थी मतलब कि इन्होंने ब्राह्मणों ने इनके जो छितरे हुए लोगों के धार्मिक या अछूत लोगों के धार्मिक रीति रिवाज को संपन्न करने से इनकार कर दिया था। अब क्यों कर दिया था, है ना। अब एक वजह ये हो सकती है कि इन्हीं लोगों ने उनसे कुछ कराना बंद कर दिया था, है ना, एक ब्राह्मणों को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो बाबा साहब ने कहा कि ऐसा इसलिए हो सकता था क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोग बौद्ध थे और वो ब्राह्मणों को पसंद नहीं करते थे, है ना, और ब्राह्मण बौद्धों से नफरत करते थे, तो इसीलिए फिर आपस में किसी न किसी की पुरोहिति नहीं की, है ना। तो ये बाबा साहब ने कहा कि अगर हम ये स्टेटमेंट मान ले कि अधिकतर क्षेत्रीय लोग बौद्ध थे तो फिर कई प्रॉब्लम मतलब कई जो डाउट्स हैं वो बड़े क्लियर हो जाते हैं, है ना। ब्राह्मणों और इन लोगों में इतनी जो नफरत थी उसका उसकी वजह बड़ी साफ होती जाती धीरे धीरे, है ना। अब ये जो है एक स्टेटमेंट बाबा साहब ने फिर मतलब ये कहा कि गोमांस खाना जो था वो एक मेन वजह बना कि ये जो चित्र जो लोग थे उनमें जो अछूत उनको क्यों बना दिया, क्योंकि वो गोमांस का सेवन करते थे, है ना। तो अब सवाल ये होता है कि फिर वो चित्र लोग जो थे केवल वही गोमांस खाते थे, तो बाबा साहब ने फिर खुद ही कई शंकाएं उपस्थित की। तो क्या कभी हिंदू कभी गोमांस नहीं खाते थे, हिंदुओं ने गोमांस खाना क्यों छोड़ा, ब्राह्मण शाकाहारी क्यों बने, गोमांसाहार से छुआछूत की उत्पत्ति क्यों और हुई, और ये छुआछूत का चलन कब हुआ। तो मतलब एक उत्तरार्ध में इस ग्रंथ के बाबा साहब ने इस पर ये की कि ये हुआ कि बौद्धों का जो प्रभाव था वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ने लगा और ब्राह्मणों की जो महती है वो एकदम कम होने लगी, है ना। तो इससे ब्राह्मण एकदम घबरा गए और उन्हें कुछ सोचा इस पर कि इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए तो हमें ये करना पड़ेगा कि हमें बौद्धों से 2 कदम
आगे या उनका जो जीवन दर्शन है उससे बेहतर जीवन दर्शन हमें लोगों के पास लेकर लोगों के पास जाना होगा। तो ये एक जब उनके दिमाग में आइडिया आया तो फिर उन्होंने उसमें से और एक कुछ ये निकाला आइडिया कि जैसे बौद्ध थे वो गोमांस से परहेज नहीं करते थे, है ना, इवन भिक्षु वगैरह भी उनको अगर गोमांस दिया जाए तो गोमांस खा लेते। तो ये उन्होंने फिर धीरे धीरे इसको एक गोमांस को एक इशू बना लिया। तो पहले तो उसको एक सोशल इशू बना दिया गया, है ना, कि गोमांस खाना ठीक नहीं, ये नहीं हुई। और फिर धीरे धीरे गाय की पवित्रता को धार्मिक आधार दिया गया कि गाय एक बहुत ही पवित्र है, ये है, और इसको मतलब इस तरह के जो है धर्म ग्रंथों में डाले गए ये, है ना। जबकि उन्हीं के धर्म ग्रंथ अगर आज भी आप खोलें उनके धर्म ग्रंथों में कई जगह ये बाबा साहब ने खुद ही इतने सारे वो उदाहरण दिए कि जहां पे ये उन्होंने बताया कि एक जमाने में हिंदू सभी हिंदू गोमांस खाते थे, खासकर ब्राह्मण के लिए तो ये बड़ा फेवरेट मतलब एक ये था ना, रुचिकर आइटम था। तो वो सारे के सारे जो भी बलि दी जाती थी गाय की या बैल की, वो सारे के सारे वो पुरोहित जो यज्ञ कराते थे वो ले जाते थे पूरा। तो ये बड़ा फेवरेट उनको ये था, और ऐसे कई रीति रिवाज थे जिसमें गोमांस पकाना मतलब एक पवित्र चीज मानी थी, माना जाता था, है ना। तो कि जैसे आपस्तंभ नाम का धर्म सूत्र है उनका, तो उसमें भी इस तरह के श्लोक है कि गाय और बैल पवित्र हैं इसलिए खाए जाने चाहिए, है ना। तो ये पहले सारा था। तो इन चीजों को धीरे धीरे उन्होंने मतलब इनको तवज्जो देनी बंद कर दी या उसका कोई प्रसार करना बंद कर दिया, और ये गाय का महत्व या पवित्रता तो जी इसको धर्म से जुड़ गया कि अगर कोई गाय की हत्या करता है तो वो बहुत बड़ा पाप का भागीदारी है और वो उसे बहिष्कृत कर देना चाहिए। अब इसी वजह से फिर ब्राह्मणों ने अपना न सिर्फ मांस खाना छोड़ दिया और गोमांस खाना भी छोड़ दिया और मांस खाना भी छोड़ दिया उन्होंने। अब दूसरे जो तीन वर्ण थे उन्होंने ब्राह्मणों की नकल करके फिर वो अपने उन्होंने भी गोमांस खाना बंद कर दिया, हालांकि मांस खाते रहे वो। तो इस तरह से अब ये फिर बाद में इन्होंने धार्मिक प्रचार किया कि जो बुद्ध लोग हैं वो गोमांस खाते हैं, और वो बाद में क्षत्रिय लोग जो थे उन्होंने अपना गोमांस आहार जो था जारी रखा। अब उसकी वजह ये थी कि उसको तो मरे हुए जानवर ले जाना ही था, तो कहने लगे थे ये हम तो मारते नहीं है तो हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, पाप के भागीदारी नहीं है, और चूंकि हम ले जा ही रहे हैं तो ये हमें तो खाना भी है, तो इसलिए गोमांस उन्होंने खाना जारी रखा। तो ये हुआ कि जो क्षत्रिय लोग थे गाँव के बाहर के लोग रहते थे वो गोमांस खाना उन्होंने जारी रखा, और इसी वजह से ये हुआ कि फिर बाद में इनको एक अपवित्र घोषित कर दिया गया कि जो गोमांस खाते हैं वो अपवित्र हैं, वो अब दूसरे वर्ण से उनको अलग कर दिया गया और उनको अछूत घोषित कर दिया। तो ये सबसे बड़ी वजह जो थी मतलब ये ब्राह्मणों ने इस तरह की आइडिया लगाई, और ये जो क्षत्रिय लोग थे तो उसको उन्होंने अछूत घोषित कर दिया। अब बाबा साहब ने अंत में जो है एक आइडिया लगाने की कोशिश की कि ये अछूत ये छुआछूत आए कब भारत में, तो इसके लिए उन्होंने कुछ एक दो ग्रंथों का आधार लिया कि मनुस्मृति कब बनी होगी, तो ईस्वी सन पूर्व 185 के आसपास उन्होंने कहा। फिर उसके बाद उन्होंने जो चीनी यात्री था फायांग वो जो ईस्वी सन 400 में इंडिया आया था उसके यात्रा वर्णन पढ़े, और फिर बाद में यूएन संघ की यात्रा हम सब जानते हैं 629 ईस्वी सन में हुई थी। तो इन सब को पढ़ने के बाद और कुछ और इतिहासकारों के ये पढ़ने के बाद निष्कर्ष पढ़ने के बाद बाबा साहब ने एक अंदाजा लगाया कि जैसे ईस्वी सन 400 तक शायद छुआछूत नहीं थी इंडिया में, और ईस्वी सन 600 के आसपास वो पूरी तरह पनप चुकी थी और समाज में फैल चुकी थी। तो उन्होंने कहा लगभग ईस्वी सन 400 के आसपास ये छुआछूत या अछू मतलब अस्पृश्यता जो है
भारतीय संस्कृति में आई। तो ये एक बड़ा बड़े इंपॉर्टेंट निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि अछूत कौन थे, वो अछूत कैसे बने और ये छुआछूत भारतीय समाज में कैसे आई। तो ये जो उनका जो ग्रंथ है अछूत कौन, ये बड़ा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है हमने देखा, और मैं सबसे गुजारिश करूंगा तो कि हमें इस पर और भी मतलब पूरी तरह, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा तो वो जरूर पढ़े। तो ये शूद्रों और अतिशूद्रों के विषय पर बाबा साहेब अम्बेडकर और फुले जी के भी हमने जो निष्कर्ष देखे हैं, तो मतलब एक गौरतलब बात यह है कि इतने महत्वपूर्ण निष्कर्ष और दुर्लभ तथ्य आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, मतलब इन्हीं के साहित्य में मिलेंगे। तो मैंने संक्षेप में इन चीजों की चर्चा की है, तो मेरा अनुरोध है कि पाठक समय निकालकर इन ग्रंथों को ध्यान से पढ़ें, पूरा पढ़ें और अपना ज्ञानवर्धन करें। और खासकर युवा पीढ़ी को भी ये तथ्य जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि जब भी ऐसे विवादास्पद और महत्वपूर्ण विषयों पर आपकी चर्चा होती है अन्य लोगों से, अपर का सवर्णों से, तो जो सो कॉल्ड ऊंचे वर्ण के जो लोग हैं उनका हम मुंह तोड़ जवाब दे सके, क्योंकि हमारे पास तब ज्ञान होगा, हमारे पास तथ्य होंगे, हमारे पास निष्कर्ष होंगे, तो इसलिए उनको भी ये बहुत जरूरी है। तो अंत में मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा MNT ने का, जिन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया अपने विचार रखने का और आपसे शेयर करने का। एक बार पुनः आप सभी को फुले अम्बेडकर जयंती की मंगल कामनाएं, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो चर्चा पसंद आई होगी। तो भीम जयंती की, फुले जयंती की सभी को शुभकामनाएं। जय भीम, जय मूल निवास।